नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदी चक्रवर्ती। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तेजी से उछाल आ रहा है स्टॉक मार्केट में। लेकिन ऐसे वक्त में आ रहा है जब इकोनॉमी का बुरा हाल है, वहां पर बिल्कुल भूचाल है। जैसे मैंने कहा कि सेंसेक्स, आपको पता है आज 60,000, पहली बार भारत के इतिहास में सेंसेक्स 60,000 क्रॉस कर चुका है। सेंसेक्स क्या है? एक तरीके से स्टॉक मार्केट का ये थर्मोमीटर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी 30 जो स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होता है, उसका हमें हाल बताती है कि उसके दाम कैसे, औसत दाम कितना है। तो वो इस वक्त 60,000 क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स। तो आज ठीक के दिन 3 साल पहले 24 सितंबर 2018 में अगर आपने 1,00,000 रुपए सेंसेक्स में लगाया होता तो आज जाकर वो 1,65,000 हो चुका होता 3 साल में, यानी आपका फायदा 65,000 का, टैक्स जीरो। यही पैसा अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट पर लगाते 3 साल पहले सितंबर में, आज अगर आप निकाल रहे होते उसको, तो आपका 1,00,000 रुपए 22,000 रुपए बन जाता, 1,22,000 होता हो जाता, 22,000 का फायदा। और लेकिन अगर 1,00,000 रुपए आप टर्म डिपॉजिट में लगा सकते हैं तो चांसेस है कि आप 20% वाले कैटेगरी, टैक्स के कैटेगरी में आते होंगे, तो आपका इंटरेस्ट पर 20% टैक्स जाता 4,400 रुपए, उससे आपका घट जाता। तो इसी तरीके से अगर मैं लगाऊं, यहां पे इस ग्राफ में आपको दिखाऊं, तो 1,00,000 रुपए 2018 में दोनों में लगाया हुआ है, सेंसेक्स और टर्म डिपॉजिट में, 1,00,000 हो गया 1,65,000, यानी 65,000 का फायदा सेंसेक्स में, कोई टैक्स नहीं, और इसमें 22,000 का फायदा टर्म डिपॉजिट में 2021 तक आते आते सितंबर, लेकिन टैक्स है 4,400 का, यानी फाइनल आपके हाथ में पोस्ट टैक्स 17,600 रुपए के आसपास आ रहा है। कंपेयर करके देखिए दोनों में, 65,000 सेंसेक्स पे और टर्म डिपॉजिट पे 17,600 रुपए कौन लगाता है मार्केट में? जिसके पास काफी सारी पूंजी हो, काफी सारी सेविंग हो, कुछ पैसे वो मार्केट में लगाते, कुछ पैसे बैंक में लगाते, बैंक सेफ होता है, मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है। जो मिडिल क्लास का आदमी है वो मार्केट में कम लगाता है, बैंक में ज्यादा डालता है, यानी इससे जो संपन्न ज्यादा है, जो अमीर है, उनको फायदा है, मिडिल क्लास वालों को इससे फायदा नहीं है जब सेंसेक्स ऊपर जाता है और इंटरेस्ट रेट कम रहता है। अब मैं कंपेयर करके देखूंगा कि जैसे मैंने कहा सेंसेक्स इस तरीके से तेजी से ऊपर जा रही है, तो क्या हमारी इकोनॉमी, GDP, देश की नेशनल इनकम, क्या वो भी बढ़ी उसी रेट से? मैं क्या करूंगा, अब मैं कैलकुलेट करूंगा जून से जून का। क्यों जून से जून का कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास GDP का जो डेटा है वो पिछले लेटेस्ट तिमाही का जो डेटा है हमारे पास वो है अप्रैल से जून 2021 का। तो मैंने क्या किया, जुलाई से मैं सेंसेक्स का ले रहा हूं 30 जून हर साल का, क्योंकि वो लास्ट डेट होता है इस तिमाही का, सेंसेक्स का वही मैं डेटा ले रहा हूं। लेकिन मैं जो GDP का डेटा लूंगा वो जुलाई से जून का, यानी 4 तिमाहियों का जोड़कर मैं ले लूंगा, फिर मुझे 1 साल का पूरा मिल रहा है। तो मैं क्या देख, मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, कि अगर मैं सेंसेक्स लूं 30 जून 2018 से 30 जून 2021 तक, तो 100 हो गया 148। उसी तरीके से GDP का जो 100 है, इसी के बीच सालाना जुलाई से जून तक वो सिर्फ 119 पे गया है। साफ है ये कि GDP कम बढ़ा है सेंसेक्स से। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स के साथ अगर मैं इस 30 जो सेंसेक्स के बड़े कंपनियां हैं इनके प्रॉफिट की तुलना करूं, इन्होंने जो प्रॉफिट किया, आप देखेंगे कि 100 से 148 सेंसेक्स है, उसी बीच में प्रॉफिट जो है वो 100 से 138 पर गई है। देखिए GDP सिर्फ 100 से 119 पे गई है, ये डबल ग्रोथ हुआ है, यानी जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति है, शेयर होल्डर हैं, मालिक है कंपनियों का, उनका ज्यादा फायदा हुआ है, उनके हाथ में GDP का ज्यादा शेयर गया है। और इसका एक और स्लाइड से आपको साफ पता चल जाएगा। फिर से मैं यही 30 कंपनियां, बड़ी कंपनियों में जो वेतन, सैलरी वगैरह दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, वेजेस, उसको कंपेयर करके देखता हूं। सेंसेक्स में जैसे मैंने बताया कि ये 100 से 148, फिर से आप जानते हैं ये हुआ है 2018 से 221 2021 के जून के बीच, 2018 जुलाई जून से कंपेयर करके अगर मैं इस वक्त का वेजेस देखूं, यानी सैलरी वेतन जो दे गया वो कम हो गया है, 100 से 91 पे चला गया है, ठीक है, यानी वो घट गया है। तो फिर से मैं ये 30 बड़ी कंपनियां, सेंसेक्स कंपनियां की अगर मैं दाम देखूं, इंडेक्स देखूं, शेयर मार्केट में प्राइस देखूं, तो वो 48% बढ़ा है जून से जून के बीच। और जो
प्रॉफिट बढ़ा है इन कंपनियों का वो 38% बढ़ा है, लेकिन जो लोगों को, कामगार लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, वेजेस दिए जा रहे हैं, वेतन दिए जा रहे हैं, वो 9% घट गया। इसी के बीच साफ है ना, और याद रखिए ये बड़ी कंपनियों में वेजेस, वेतन, सैलरी ये ज़्यादा होता है, यानी दूसरे कंपनियों में और भी खराब हाल होगा। तो आप सोच लीजिए कि अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी गरीब हो रहे हैं। इसीलिए सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का जो शेयर है कुल आय में देश का वो बढ़ रहा है, और जो मजदूरी का शेयर है वो घट रहा है। यही है कारण कि हमारे देश में मार्केट ऊपर जा रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं, लेकिन जीडीपी और हमारा जो विकास दर है वो कम हो रहा है, और इसीलिए सेंसेक्स में उछाल है, मार्केट में उछाल है, लेकिन इकोनॉमी का बुरा हाल है। आज का शो यहीं तक दोस्तों। न्यूज़ क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बहुत सारे पैकेज हैं, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप जा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पैकेज है, उनमें से एक पैकेज लेकर हमारे सपोर्ट कीजिए। हमारे आपके सपोर्ट के साथ ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो गोदी मीडिया छोड़ चुकी है वो आप हम बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे, और आप ही को फ़ायदा होगा, डेमोक्रेसी को फ़ायदा होगा। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, आज के लिए इतना ही।